देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। क्या घर पर चुपके से नजर रख रही थी तू? हमने देख लिया वहां से। हाँ वैसे तू ना बहुत अच्छे दिन पर आई है, कुछ दिखाते हैं। चल वो देख नई फैमिली फोटो, कितनी प्यारी है। नहीं पता है कुछ दिन पहले ना ध्रुव जी ने नई बनवाई है। अरे लेकिन ये क्या, इसमें तो तू है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तुझसे इतनी नफरत करते हैं कि तेरी शक्ल वो फोटो में भी नहीं देखना चाहते थे। और इसीलिए ये नई फोटो बनवाई। और पता है पुरानी फोटो कहाँ है? हम दिखाते हैं। फोटो कहाँ थी? कचरे के डब्बे में। तो समझ गई होगी कि इस घर में और इस परिवार में अब तेरी कोई जगह नहीं। तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और अब इस घर और इस परिवार में बस हमारी जगह है। आज तो ध्रुव जी ने हमें फोटो में जगह दे दी, लेकिन बहुत जल्द ना वो हमें दिल में भी जगह देंगे। अच्छे से संभाला है ना हमने घर को। पता है तेरी कमी ना उनको महसूस भी नहीं होती, ध्रुव जी को भी नहीं। क्या कहा था तूने? ध्रुव जी का हमारी किस्मत में ना होना हमारी बदकिस्मती है। वो हमारी किस्मत में कभी थे ही नहीं। तो प्यार करने वाले कभी ना कभी मिल ही जाते हैं, उन्हें वक्त लगता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और हमारी किस्मत की रुकावट तू थी। जिसे किस्मत में दूर कर दिया। तू हमें ध्रुव जी की नफरत बनाना चाहती थी ना, ले अब ये श्राप हमने तुझे दे दिया। अब तू उनकी नफरत है और इस आग को हम कभी बुझने नहीं देंगे, इसमें घी डालते रहेंगे। तुमको जो करना है ध्रुव जी, आपको पसीना आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा और तेज प्लीज। भैया सुनिए ना, वो बहुत फास्ट चला रहा है, थोड़ा और तेज चलाना पड़ेगा हमें। सृष्टि सृष्टि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा।
समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। तुम जाओ, हम ध्रुव जी संभल कर, लग जाएगी आपको। क्या कर रहे हो आप ध्रुव जी, चोट लग जाएगी ना। सृष्टि तुम जाओ यहां से, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, जाओ तुम। इनका नाम है ध्रुव काशीनाथ पांडे। ओफो, हम भी ना, हमें पता है होने वाले पति का नाम नहीं लेते। चलो कोई बात नहीं, हम तो बस तुझसे ही बातें कर रहे हैं, हमारी प्यारी बहना। वैसे भी तू हमें नजर थोड़ी ना लगाएगी। अब तो बस हम ध्रुव जी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो घर आएंगे तो उनसे बात करके हम अपनी शादी की तारीख तय कर देंगे। हेलो नानी, तेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ, सदमे में आवाज चली गई तेरी? नहीं, लेकिन जो हम तुम्हें बोलने जा रहे हैं उसके बाद तुम्हारी बोलती तो जरूर बंद हो जाएगी। ध्रुव जी हमारे साथ है, हमारे घर में। मम्मी हम बहुत घबरा गए थे, मम्मी के गर्दन से बहुत खून बह रहा था मम्मी। पापा, धानी के सर पर ध्रुव जी को पाने का जुनून इतना सवार था कि वो कुछ भी कर सकती थी, और इसीलिए हमने उसकी बात सारी मान ली। पूरा इल्जाम हमने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन प्लीज आप लोग धानी से ये मत कहिए कि ये सारी बातें हमने आपको बताई है। अभी तो आपको सबका सच पता चल चुका है ना, प्लीज उसे कुछ मत कहिए, प्लीज। हम सबके आगे हाथ जोड़ते हैं। ध्रुव जी प्लीज आप हमसे वादा कीजिए, आप वादा कीजिए कि आप धानी को कुछ नहीं कहेंगे। धानी ने गलत किया, गलत नहीं थे ध्रुव जी, देर सही सही पर हमने सच्चाई साबित कर दी, आज हमारी कसम पूरी हो गई। उसको ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह कांप उठेगी।